अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं कौरमा, चिकन कौरमा बना रही हूँ मैं। तो मैंने ये प्याज दो ली हैं बड़ी साइज की, इसको मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी और इसमें फिर हम जिंजर गार्लिक और गोश्त डाल के इसको भूनेंगे। प्याज हमारी हो चुकी है, अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो मसालों में मैंने लिया है एक कप दही और नेशनल का कौरमा मसाला, ये मैं दो पैकेट डालूंगी। ये आधे किलो के लिए एक पैकेट होता है तो मैं दो पैकेट डालूंगी। और नमक बिल्कुल भी नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें नमक होता है। और जिंजर गार्लिक के बड़े दो चम्मच डालूंगी और एक किलो चिकन है। और जो मैंने प्याज को अभी फ्राई किया था उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। बस यही मसाले जाएंगे इसमें और ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई करी थी इसी ऑयल में मैं चिकन डाल देती हूँ। दो बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक, अब अभी इसको भूनना है जब तक के चिकन की स्मेल ना खत्म हो जाए और जिंजर गार्लिक पूरी अच्छी तरह से पक जाए। ये जो मैंने प्याज को ग्राइंड किया था उसको मैंने ये दही में मिक्स कर दिया। प्याज को मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला है कि वो मिक्सी में चल जाए, क्योंकि वो सूखी सूखी प्याज थी ना तो ग्राइंड नहीं हो रही थी। थोड़ा सा पानी डाला बस मैंने। गोश्त और मसाला दोनों अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल देते हैं। दही और भुनी हुई प्याज, मसाले हैं दो पैकेट, ये आधा प्याले पानी भी डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मैं इसको ढक के 10-15 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि गोश्त गल जाए। इसको मैंने 15 मिनट के बाद खोला है तो अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला पूरा पक चुका है। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। किचन में हमारी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी है आपको रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।